बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इनको ऐड करना चाहती हूँ, पहले भी आए थे जी। सलमान जी क्या हाल है आपका? इमादुल इस्लाम को भी वापस लीजिए अगर वो हैं तो। नहीं नहीं, वो आके गांडू गांडू बोल के गया है, वो उससे क्या बात कर। नहीं फिर ना लें, फिर ना लें। वो आपको पता है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की नाजायज औलाद है वो, आपको पता है उसका स्टूडेंट था वो। उसके ऊपर भी फतवा लग गया, आप जानते हो उसके ऊपर भी फतवा लग गया मोहम्मद अली के ऊपर। सलमान जी बोले जी, बोले बोले जी। मैलिन जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया हूँ। आज आपको फिर दावत देने का मौका मिला, कबूल करेंगे इस्लाम आज? अरे बिरयानी की दावत दे रहे हो, मैं समझा यार। बिरयानी खिला नहीं हो कहते तो मैं फिर भी कबूल कर लेती यार। आप क्या भी बिरयानी भी खिलाएंगे? नहीं बिरयानी ही खानी है, बिरयानी खानी है। अच्छा ठीक है, अगर आप दावत देना चाहते तो मालिक के अकाउंट में 25-30 करोड़ कुछ तो डाले, एंड छठे को तो आप इतने पैसे देते हैं, मालिक को भी दे। मालिक ने हिजाब पहनी है आपके लिए, बोलो हिजाब बुरका मिलेगा 25-30 करोड़ रुपया भेजा अकाउंट में, आप भेज सकते हैं। एंड्रॉइड वो ना एंड्रॉइड की तरह वो प्रमोट भी करेगी इस्लाम को। चले चले ठीक है, आप दावत दें, चले आप दावत दें। जी बोले बोले। हाँ पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए, मैं सिर्फ दावत दे। लो तो फिर है क्या आपके पास? फिर मैं क्या लूं? आपको जन्नत की दावत दे रहा हूँ। जन्नत की किसने गारंटी ली? आप खुद होगे नहीं। जी शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। मैं लेता, अच्छा चले जी शुरू कीजिए। मैं लेता हूँ गारंटी, आप आना चाहती हो तो। क्या करना चाहती हूँ दोबारा जरा जोर से बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप आना चाहती हो जन्नत में तो बोलो, मैं गारंटी लेता हूँ। नहीं कोई तो मुझे बताए ना, मुझे कोई फायदा तो बताए ना जन्नत में जाने का, मेरा फायदा नहीं, नहीं, क्या है? आपसे उन्होंने हाँ या ना पूछा ना, बोल दे हाँ या ना, बोले नहीं नहीं नहीं। मैं मालूम था की हूर थी वो, ना मौलवी को देख के भाग के आ गई। मैंने ऐसे मौलवी देख के, मैंने अल्लाह मियां मेरे को दुनिया में भेज दो, आई विल रादर गो। चले आपको दावत देना भी नहीं आती, दावत देना सिखाऊं आपको मैं सर? नहीं चले मैलिक जी मैं दावत देता हूँ आपको। देखे महलीज, हम सब ये जानते हैं कि हमारा वजूद तो है, अब इस वजूद की बेमकसदी का कायल होना ये तो बेवकूफी होगी। इस वजूद के मकसद को ढूंढना ही हमारा और आपका काम है। हम सब लोग इस दुनियावी कामों में मसरूफ रहते हैं, स्ट्रीम कर ली, पैसे कमा लिए, खा लिए, बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन क्या यही हमारी जिंदगी का असली मकसद है? ये हमें सोचना पड़ेगा। ये समझना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से इंसान को इस दुनिया में भेज के अपना काम पूरा करवाया जा रहा है। एक खालिक है, उस खालिक ने हर इंसान का मकसद तय किया हुआ है। मैंने जी देखें, आपका भी एक मकसद है, मेरा भी एक मकसद है। अभी तो आया ही नहीं दिया भाई, रुक जाओ भाई। हेलो हेलो, अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक ताला, आप म्यूट हैं। अल्लाह तबारक ताला अज़्ज़ो जल ने यू लॉस्ट मी लॉन्ग टाइम अगो, और निकल गया अभी, पता नहीं किसी और चीज पे सोच रहा था, वो सोच रहा था कि मैंने अभी क्या पोस्ट करना है, पता नहीं कब आई लॉस्ट यू लॉन्ग टाइम अगो। हाँ तबलीग ऐसे ही होती है, दावत तबलीग ऐसे ही होती है।
कौन बैठ के सुनता है यार इतनी बेवकूफ बातें, जाएगा माय गॉड। कभी कभी तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा होता है पीछे। नहीं इससे अच्छा ना तो मैं सही बोलो तो मैं ना उज़्मा का चैनल देख लू। गाली गाली नहीं पर सही दावा से तो सही बहुत बोरिंग है सही में। सलमान जी आप दे ना दावत, हम आएंगे खाने बिरयानी खाने आएंगे। आप दावत आप एक काम करें, देखिए कनाडा में ना बहुत महंगा है, 50 करोड़ डॉलर आप भेजे एंड ठट्टे की तरह मालिक भी इस्लाम प्रमोट करेगी। 50 करोड़ डॉलर 5 मिलियन इस्लाम में वापसी, इस्लाम में वापसी 5 मिलियन जो बोलो और बोलो, बोली लगा दी हमने और बोलो। सलमान जी आप ना एक काम करिए, आप अपने मौलवी हजरात को बोले कि ज़कात इकट्ठा करें मालिक को इस्लाम में। सलमान भाई को मौका दो यार, बात सलमान भाई को मौका दो बात करने का, उनके उनको बोलो कि भाई दे दे यार दावत दे दे यार। मुझे लगता है मुझे एलर्जी हो। दीना का वाक्य सुना है आपने उनके टाइम पे? किसका? अच्छा था मालिक बिन दीनार। मैलीज इज एलर्जिक टू बुलशिट कैंट यू सी। मालिक बिन दीनार के टाइम पे बादशाह था, उसकी कनीज थी बहुत खूबसूरत थी, सबसे खूबसूरत थी। तो उसे मालिक बिन दीनार बोलते हैं आपकी कीमत सिर्फ खजूर की दो गुठली है, खजूर की दो गुठली। तो उसको पागल बोल के बादशाह के पास लेके जाती है। अच्छा तो बादशाह बोलता है कि ऐसी खूबसूरत लड़की की खजूर की दो गुठली क्या कीमत लगा रहा है? बोलते है ये ज्यादा है, ये ही बराबर कीमत है तो खजूर की दो गुठली, उससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं है इतनी खूबसूरत लड़की की। बोलते क्यों? इसके पीछे तो लोग मत मिलने को तैयार है, लाखों करोड़ रुपए लेके खड़े लोग ऐसी खूबसूरत लड़की के लिए, तो क्या इसको दो गुठली खजूर की क्या कीमत बोल रहा है क्या हिसाब से? तो पूरा एक वाक्य सुनाते है। रात को नमाज पढ़ते है तहज्जुद की, उसमें जो हूर मिलती है पाक रहती है, ये दुनिया की औरत में दुनिया में हम सब है तो हमें बदबू है, जू रहती है बाल में, तेल लगाना पड़ता है, पूरा पूरा वाक्या सुनाते हैं। बोलते हैं इसकी कीमत दुनिया की लड़की की चाहे कितनी खूबसूरत हो कुछ कीमत नहीं है खजूर की दो गुठली से ज़्यादा। मेरे अल्लाह के यहाँ जो जो है वो रात को नमाज पढ़ने की कीमत इतनी बड़ी बड़ी है, बादशाह और उस पर इतना असर पड़ता है, लोग सब सारा माल सटका करके मदद करने में मशगूल हो जाते हैं। अच्छा यानी एट द एंड उस लड़की को पैसे मिल ही जाते हैं। हाँ जो भी पैसा होता है सब सटका करके इबादत में लग जाती है। हाय 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 मिल जाती है। अच्छा तो मुझे एक बात बताएं कि बदबू हमारे पास से क्यों आती है? क्योंकि अल्लाह मियां ने ऐसे हमारा शरीर है, हमारा सिस्टम है ना। हाँ नहीं क्योंकि अल्लाह मियां ने वो सिस्टम बनाया जिससे गर्मी हो तो हमें पसीना आए तो हमारे पास से बदबू आए, राइट? तो ये अल्लाह मियां ने खुद ही दिया ना, इसमें मेरा क्या कसूर है? और बदबू क्या सिर्फ औरतों में से ही आती है? आप औरतें तो फिर भी अपनी हाइजीन का ख्याल रखती हैं, आप मर्दों को देखा करो। तौबा पाकिस्तान में स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अफगानिस्तान में इन जगहों पे इन लोगों के पास तो पानी नहीं होता सालों, ये पता कितने कितने दिन तो ये नहाते नहीं है और फिर जाकर घर में अपनी बीवी के ऊपर चढ़ाई भी कर देते हैं। आप ये जो बात आपने लॉजिक की कर रहे हो सफाई की नहीं होती है, आप लोग कितनी सफाइयां करके रखते हो? आपको नहीं आती धुएं, आपको नहीं पड़ते धुएं? दैट हैज टू डू विद हाउ यू कीप योरसेल्फ, आप अपनी हाइजीन कैसे रखते हो? हाँ मैं सुबह मेरे पास से बदबू आ रही थी, सोकर उठी मैं आई वाज स्वेटिंग, मैंने जाके शावर लिया, अब मेरे पास बड़ी खुशबुएं आ रही है क्योंकि मैंने शावर लेकर परफ्यूम लगाकर पाउडर शावर लगाकर मैं बैठी हूँ यहाँ पर। आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना देयर सो लाइक छोटे से बच्चे वाले आर्ग्यूमेंट। अल्लाह मियां को पता नहीं था? अल्लाह मियां को पता था ना हमारे पास से बदबू आएगी अगर पसीना लगेगा, ठीक है? तो मगर आपने कहा जन्नत में जाऊंगी जब बदबू नहीं आएंगी ना,
जन्नत वाली के पास से बदबू नहीं आती ना, हाँ तो मेरे पास से ही बदबू नहीं आती। मैं नहा ली, शावर ले लिया मैंने, और वो भी बड़े अच्छे बॉडी वॉश से। अब मेरे पास से पौधियों पे मैंने बॉडी स्प्रे भी कर लिया, मैंने डिओड्रेंट भी लगा लिया, अब मेरे पास से खुशबुएं खुशबुएं आ रही। मैंने अल्लाह मियां को बीट कर दिया, अल्लाह मियां ने कहा तो इसी बात से बदबू आएगी, मैंने उस चीज को बीट कर लिया, मैंने वो बदबू हटा दी। अब मैं 24 घंटे अपने आप को बदबू फ्री रख सकती हूँ। इसे अल्लाह मियां फेल हो गए। 24 घंटे बाद फ्री रहेंगी ना? नहीं, मैं नहा लूंगी ना दोबारा से, वो मेरे ऊपर है ना कि मैं बदबू आने से पहले ही नहा लूं। मैं बदबू आने से पहले ही नहा लेती हूँ, राइट? फिर एक दिन जब इंतकाल हो जाएगा, जब हमारे पूरे जिस्म सर जाएगा, हमारे जिस्म को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, उस वक्त क्या करेंगे? हाँ, तो वो तो खाने ही है, क्योंकि भाई देखें, इट्स अ वर्ल्ड गो अराउंड इन सर्कल। हम लोग जो है जमीन में जाएंगे, फॉसिल फ्यूल बनेंगे, एक एनर्जी बनेंगे, कीड़ों के लिए एनर्जी बनेंगे, खुराक बनेंगे। दैट्स व्हाट इट इज, राइट? एंड यू गो ऑन, दैट्स हाउ दिस होल अर्थ वर्क्स। जिंदा कर, अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, जब क्या करूंगी आपको कैसे पता जिंदा करेंगे? करेंगे दोबारा जिंदा तो मैं उनसे पूछूंगी कि मुझको, उनसे सबसे पहले मैंने यही पूछना है कि सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि मर्दों को सारी चीजें क्यों और मेरे को क्यों नहीं? मुझे अगर अल्लाह मियां ने दोबारा खड़ा होकर वहां पे करा ना, तो मैं तो वहां पे भी खड़े होकर उनसे सवाल पूछूंगी कि भैया ये क्या था, व्हाट वाज दिस? और मैं नहीं होंगी वहां पे, बड़े सारे लोग होंगे। अगर अल्लाह मियां ने खड़ा किया ना वहां पर, अल्लाह मियां आ गए, प्रोटेस्ट चल रहे होंगे वहां पर सारे, पानी राशन पानी लेके चढ़ जाना है हम लोगों ने कि व्हाट द फक वाज दिस। हम तो चाहते अल्लाह मियां हमको खड़ा करे ताकि हम उससे पूछे कि ये क्या चूरन तुमने बेचा, क्यों दुनिया को तबाह और बर्बाद किया तुमने? उस वक्त मौका नहीं मिलेगा ना, फिर सीधा क्यों नहीं वो होता है, व्हाट द हेल इज दिस? इनाम या सजा होगी, इनाम या सजा होगी आपको जो सवाल है, इनाम या सजा होगी यार। व्हाट आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।